नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में कैसे लो पॉली बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम दो मेथड यूज करेंगे जिनके माध्यम से लो पॉली बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे। ड्रैग करके एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसका साइज हम प्रॉपर्टी बार में सेट करेंगे 16x9 और अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करके इस रेक्टेंगल को पेज के सेंटर में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम टूल बार में आएंगे। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे फाउंटेन फिल। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार में और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। हम चूज करेंगे एलिप्टिकल फाउंटेन फिल और अब इसके जो हैंडल्स हैं इन हैंडल्स को प्रॉपर सेट करेंगे। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। जो सबसे पहला मेथड है हमारा, उसमें हम अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इफेक्ट्स मेनू में जाएंगे, क्रिएटिव पर क्लिक करके क्रिस्टलाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसने लो पॉली बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। यहाँ से इसका जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हो। ये जितना कम होगा हमारा जो टेक्सचर है उतना ही स्मॉल बनेगा, देखिए आप देख सकते हैं। और ये जितना ही साइज ज्यादा लेंगे हम उतने ही टेक्सचर का जो साइज है वो बड़ा बनेगा। हमारे डिजाइन के लिए 70 ठीक लग रहा है, ओके कर देंगे। ये थी हमारी पहली मेथड। दूसरी मेथड के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पहले हम Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर देंगे। फिर से हम इफेक्ट्स मेनू में जाएंगे, फिर से हम क्रिएटिव इस टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बार हम क्लिक करेंगे स्टेन्ड ग्लास, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी हमें सेम इफेक्ट देगा, बस इसमें हमें ऑप्शंस थोड़े पिछली बार से ज्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइट थोड़ा सा डिम हुआ है इसमें। उसके बाद में शोल्डर विड्थ जो है, ये जो लाइन्स हैं इस पे एक बॉर्डर क्रिएट करेगा। ये मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 10 की विड्थ रखी है, आप ये देखेंगे अभी। यहाँ से आप आउटलाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं, यदि मैंने ब्लैक चूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह का इफेक्ट यहाँ पे इसने क्रिएट किया है। 3D लाइटिंग का भी ऑप्शन हमारे पास में है यहाँ पर। 3D लाइटिंग अगर हम नहीं रखते हैं तो ये बस 2D में एक आउटलाइन और अंदर कलर फिल हुआ है ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 3D लाइटिंग रखते हैं तो इसमें जो इफेक्ट होता है वो टाइल्स की तरह दिखता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3D लुक दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी। ओके, तो इस तरह से ये एक दूसरा इफेक्ट जो है लो पॉली बैकग्राउंड का हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि दो मेथड्स हैं जिनसे हम लो पॉली बैकग्राउंड कोरल ड्रॉ में एक बहुत आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला है क्रिस्टलाइज और दूसरा है स्टेन्ड ग्लास। इन दोनों माध्यम से हम बहुत आसान तरीके से लो पॉली बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।